बुरहानपुर शहर से गांव जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, किंतु शहर के साथ आस्था को जोड़ने वाली माता रानी के दरबार रेणुका माता से एप्पल हॉस्पिटल तक सड़क पर स्ट्रीट लाइट न होने के कारण हमेशा अंधेरा पसरा रहता है। आगामी 3 तारीख से माता रानी की स्थापना होने वाली है। भक्तगण दरबार में मत्था टेकने प्रातः 5 बजे से देर रात तक इस मार्ग का उपयोग करते हैं। युवा नेता चंद्रहास शिंदे ने जन प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर से स्ट्रीट लाइट शुरू करवाने की मांग की है। शिंदे का मानना है नवरात्रि उत्सव, दशहरा, दीपावली उत्सव की धूम और आस्था का संगम इस सड़क से गुजरेगा। वहीं पटाखा व्यवसाय से जुड़े व्यापारी इस मार्ग का उपयोग करेंगे। इस मार्ग पर अंधेरा होने के कारण शहर का सामाजिक तत्व इस सड़क मार्ग पर दारू का सेवन करता नजर आता है। कुछ तत्व जमावड़ा लगाकर मटर गश्ती करते नजर आते हैं। इस मार्ग पर अंधेरा पसरा होने के कारण कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना न घटे, मंदिर दर्शनार्थ भक्तों की सुविधा के साथ त्योहारों और व्यापारियों की आवाजाही को ध्यान में रख स्ट्रीट लाइट शुरू करने की मांग शिंदे ने की है। जी बताइए, किस विषय को लेकर आपने मांग की है? मैं माननीय कलेक्टर महोदय शासन प्रशासन से मांग की है कि एप्पल हॉस्पिटल से लेकर रेणुका माता मंदिर तक जो हाईवे रोड बना हुआ है उस रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। देर रात कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई जनहानि ना पहुंचे, इसलिए मैं इनसे प्रशासन से मांग की, शासन प्रशासन दोनों से मांग की है कि इस जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए जल्द से जल्द। एवं भविष्य में अभी नवरात्रि का सीजन, दशहरा, दीपावली यह भी सामने आ रहा है, कृपया आप लोगों से हम इन लोगों से निवेदन किया हुआ है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट लगवाने की कृपा करें, जिससे बुरहानपुर के और समस्त जो बाहर गाँव से आने जाने वाले यात्री है, इन लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। आपका नाम? चंद्रा शिंदे। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।